हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वोटोनॉमिक्स। तो एक बार फिर मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए पिछले 7 दिन की 7 बड़ी ऑटो न्यूज़ लेके, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि ऑटो कंपनीज तो काफ़ी तेज़ी से एक के बाद एक लॉन्च प्लान करती जा रही है। तो आजकल कौन से लॉन्च होने वाले हैं, कौन से लॉन्च हो चुके हैं, और साथ ही साथ जनवरी में कौन सी कार ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और ऑटो इंडस्ट्री के इस टाइम क्या हालात बने हुए हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज, और चलिए इस ऑटो न्यूज़ के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपडेट है रेनो की कीगर का, और अगर आप लोग मोटोनॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो आप लोग ये चीज तो जानते ही होंगे कि रेनो ने अपनी सब 4 मीटर एसयूवी कीगर को इंडियन मार्केट में अनवील कर दिया है, जो ह्यूंडई वेन्यू, किया सोनेट और टाटा नेक्सॉन के सेगमेंट में आएगी। बट अब रेनो ने इसकी लॉन्च डेट को भी डिस्क्लोज कर दिया है, और लॉन्च के दिन इस कार के प्राइस को भी बता दिया जाएगा, और उम्मीद की जा रही है कि ये कार इंडिया की सबसे सस्ती एसयूवी हो सकती है। और ट्यूसडे को रेनो ने यह भी अनाउंस कर दिया था कि चेन्नई वाले प्लांट में कीगर का प्रोडक्शन काफ़ी तेजी से कर दिया गया है, ताकि इसकी डिलीवरीज को टाइम पर दिया जा सके, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस 5.5 लाख से 9.5 लाख के बीच में हो सकता है। हालांकि ये प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है, बट इस कार का जो लॉन्च है वो कंफर्म कर दिया गया है कि ये कार 15 फरवरी को इंडिया में लॉन्च कर दी जाएगी। और अगर आप रेनो की कीगर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके रेनो कीगर का लॉन्च इवेंट देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स को कवर कर दिया था, और इसका लिंक आप लोग को आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और नेक्स्ट अपडेट है ऑफ रोडिंग लवर्स की पहली पसंद महिंद्रा थार का, और आजकल महिंद्रा काफ़ी बिजी है कस्टमर्स से कांटेक्ट करने में, जिसके पीछे वजह यह है कि वो कई सारी थार्स को वापस बुला रहे हैं, जिसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि महिंद्रा थार में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। और ये वो थार हैं जो 7 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में मैन्युफैक्चर की गई थी, और टोटल 1577 थार के डीजल मॉडल को रिकॉल कर लिया गया है। और इस रिकॉल के पीछे महिंद्रा का ये कहना है कि उस दौरान महिंद्रा के सप्लायर्स की मशीन में कोई एरर था, जिसको बाद में डिटेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से उस पीरियड में बनी थार के अंदर कैमशाफ्ट में और डीजल पंप में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे बचने के लिए 1577 थार को वापस बुलाया जा रहा है, जिसके लिए कस्टमर से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो 2 दिन के लिए अपनी कार्स को सर्विस स्टेशन पर छोड़ जाएं और बाद में ठीक होने के बाद उसको ले जाएं। और इस इंसिडेंट के बाद कुछ कस्टमर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है, और कुछ कस्टमर्स ने तो ये भी कहा है कि इस सर्विस के बाद उनकी थार में उन्हें काफ़ी फर्क दिखने को मिला है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस एंड माइलेज भी इम्प्रूव हो गई है। सो साल शुरू होते ही MG मोटर्स काफ़ी स्पीड से अपने नए लॉन्च एंड अपडेट्स को किए जा रहा है, और साल को शुरू हुए से 2 ही महीने हुए हैं कि MG ने अपने 5 से ज़्यादा अपडेट्स दे दिए हैं, जिनमें से 2 के बारे में मैं आपको आज बता देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MG मोटर ने साल के फर्स्ट मंथ जनवरी में अपनी न्यू कार MG Hector Plus को लॉन्च किया था, और साथ ही साथ अपने फर्स्ट कार MG Hector के अपडेटेड मॉडल को भी लॉन्च किया था। बट उस टाइम MG Hector 2021 में मैनुअल और ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन दिया गया था, जिसमें ऑटोमेटिक में सिर्फ DCT का ऑप्शन ही था। बट अभी हाल ही में MG ने Hector 2021 में एक और नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऐड कर दिया है, जिसमें अब आपको 8-स्पीड वाला CVT ट्रांसमिशन मिलने लगा है, जिससे अब आपको ऑटोमेटिक में 2 चॉइसेस मिल जाएंगी, पहला DCT है और दूसरा 8-स्पीड वाला CVT ट्रांसमिशन है, और इसके प्राइसेस को आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट MG का अपडेट ये है कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ZS EV का अपडेटेड 2021 वर्जन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपडेटेड बैटरी पैक को ऐड किया है, जिससे ZS EV की ड्राइविंग रेंज भी इंक्रीज हो गई है। जो आपको पहले 340 किलोमीटर की क्लेम रेंज मिलती थी, वो आपको नए मॉडल में 419 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। और सिर्फ यही नहीं, इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज कर दिया गया है, जो पहले के मुकाबले अब इस कार में आपको 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, और साथ ही इसमें एयर प्यूरीफायर जैसे कई सारे फीचर्स को भी ऐड कर दिया गया है, जिससे इसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, जो अब आपको 20.99 लाख से लेकर 24.18 लाख तक पड़ सकती है, जो पिछले मॉडल के मुकाबले 60,000 रुपए महंगी है। और साथ ही MG ने इस कार को लेना और भी आसान कर दिया है, जिसके लिए आप लोग को लेना होगा एक सब्सक्रिप्शन प्लान जो 50,000 रुपए का है, और अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप लोग मोटोनॉमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट motonomics.in पर जाके इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं।
सो अब फाइनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्ट टैग के लिए एक नया रूल दे दिया है, जिससे अब आपको उसके वॉलेट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पहले होता ऐसा था कि जब आप लोग गाड़ी वहां पे लेके जाते थे और अगर आपके वॉलेट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता था तो वहां पे इनवैलिड टैग आ जाता था, जिसकी वजह से आप लोग का टोल गेट नहीं खुलता था और इससे कस्टमर्स में और टोल प्लाजा वाले में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी और लड़ाई वगैरह भी हो जाती थी और इससे काफी जाम लग जाता था, काफी टाइम लग जाता था। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए और फास्टैग के यूजर्स को इंक्रीज करने के लिए, फास्टैग को प्रमोट करने के लिए NHAI ने यह फैसला किया है। क्योंकि पहले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा 150 से 200 रुपए तक का अमाउंट मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाते थे और अब इस चीज को हटा दिया गया है और NHAI ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अगर आपके अकाउंट में कम बैलेंस है तब भी कार को पास कर देने दिया जाए, बट अगर नेगेटिव बैलेंस है तब ये चीज नहीं चलेगी। और ये न्यू रूल्स सिर्फ कार, जीप एंड वैन पर ही अप्लाई होते हैं और ये रूल्स कमर्शियल व्हीकल पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो अगर अभी भी आपने अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगाया है तो आप फास्टैग लगा लीजिए, क्योंकि अब तो फास्टैग के 2.54 करोड़ यूजर हो चुके हैं और अब तो टोल का जो 80% कलेक्शन होता है वो भी फास्टैग से ही होने लगा है, जिसमें से फास्टैग का डेली कलेक्शन 89 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर चुका है और फास्टैग की मैंडेटरी होने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। सो नेक्स्ट अपडेट है होंडा मोटरसाइकिल्स की तरफ से, जो काफी कोशिश कर रहे हैं अपने मॉडर्न क्लासिक सेगमेंट को इंक्रीज करने का, ताकि वो लोग रॉयल एनफील्ड से कम्पीट कर सके। और आप लोग को याद होगा कि लास्ट ईयर उन्होंने अपनी होंडा हाईनेस CV350 को भी लॉन्च किया था और अब होंडा प्लान कर रहा है एक और बाइक को इसी सेगमेंट में लॉन्च करने का। और कई सोर्सेज की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वाली बाइक होंडा हाईनेस CV350 का कैफे रेसर वर्जन होगी, जो इंडिया में 16th February को लॉन्च की जाएगी। और होंडा ने इस बाइक के बारे में एक टीजर को लॉन्च करके बताया था, बट अभी तक किसी भी स्पेसिफिकेशंस को डिस्क्लोज नहीं किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि ये न्यू अपकमिंग बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस 2.40 लाख एक्स शोरूम तक हो सकता है। सो आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल बाइक्स के भी काफी अपडेट हैं, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट भी एक बाइक का ही है जो इंडिया की फेवरेट सुपर बाइक है और वो बाइक है हायाबुसा का 3rd generation, जिसका ग्लोबल अनवील कर दिया गया है और बहुत जल्द सुजुकी इसको इंडिया में लॉन्च करने का प्लान कर रही है। सो इसके 3rd generation मॉडल में आपको क्या नया मिल रहा है, क्या नए चेंजेस किए गए हैं, आइए उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो पहला अपडेट यह है कि इस बाइक में बॉडी वर्क्स को चेंज कर दिया गया है, नए डिजाइन और ग्राफिक्स ले आए हैं और साथ ही इसमें LED लाइटिंग सेटअप को भी ऐड कर दिया गया है और साथ ही इसको और मॉडर्न बना दिया गया है, क्योंकि इसमें अब आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको टन्स ऑफ न्यू फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे न्यू एडेड 6 rider modes, 10 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल, जैसे कई सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। बट इसका जो इंजन है वो वही सेम 1340cc वाला 4-cylinder इंजन है जो अब यूरो 5 कंप्लायंट हो गया है और इन्हीं सब चेंजेस की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बाइक का प्राइस और भी इंक्रीज हो जाएगा, ये बाइक थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो आपको 13,75,000 रुपीज़ की पड़ती थी वो अब आपको अराउंड 18 lakh के करीब पड़ेगी जब ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी। और ये बाइक एक्सपेक्ट की जा रही है कि इंडियन मार्केट में जून से जुलाई के मंथ तक लॉन्च कर दी जाएगी। सो अब फाइनली बात करते हैं कि जनवरी के मंथ में ऑटोमोबाइल्स में क्या सेल्स रिपोर्ट रही हैं और कौन सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिकी हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं ओवरऑल सेल्स रिपोर्ट की, तो अगर आप लोग सेल्स चार्ट देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ ट्रैक्टर की सेल्स के अलावा सभी सेल्स आपको रेड में दिखाई देंगी, जिसका मतलब यह है कि सभी सेल्स में डिक्रीज हुआ है, सिर्फ ट्रैक्टर की सेल्स इंक्रीज हुई हैं। सो ओवरऑल जो डिक्रीज हुआ है वो 9.66% का फॉल देखने को आपको मिल जाएगा। और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का यह भी कहना है कि इस नेगेटिविटी का रीजन यह है कि सेमीकंडक्टर की सप्लाईज में शॉर्टेज है, जिसकी वजह से व्हीकल साइट पे डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं और प्राइस को भी हाइक करना पड़ गया है, जिसकी वजह से जनवरी की सेल्स में काफी ड्रॉप हो गया है। और अगर मैं बात करूं कि टॉप 25 सेलिंग कार कौन सी है इस मंथ ऑफ जनवरी में, तो वो आपके सामने है और उसमें से टॉप 5 प्लेस पर मारुति की कार्स ही हैं, जिनकी जगह ले पाना किसी भी ऑटोमेकर्स के लिए काफी मुश्किल है। और फिर आती है 6th प्लेस पर ह्युंडई की मोस्ट पॉपुलर SUV ह्युंडई क्रेटा, जिसकी सेल्स तकरीबन 78% की ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर कंपैरिजन में। और आपके फेवरेट SUV सेगमेंट में 2nd प्लेस पर आती है किया की सेल्टॉस, जिसका लास्ट ईयर कंपैरिजन में सेल्स में 34% का डिक्रीज देखने को मिलता है। और फिर आती हैं कुछ और सेगमेंट्स की सेल्स फिगर्स। सो इन सभी सेल्स फिगर्स को आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि आपकी फेवरेट कार या बाइक कौन से प्लेस पर है, और अगर आपकी फेवरेट गाड़ी इस लिस्ट में है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वो कौन सी गाड़ी है।
सो बस यही था आज की वीडियो में। जैसे मैंने कोशिश करी कि मैं आपको इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स दे पाऊँ, बट अगर कुछ मिस हो गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं तो आप लोग मोटोनॉमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके motonomics.in पर जाके आप लोग लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स देख सकते हैं। और अगर आप लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो वहां पर आप जाके motonomics1 डाल के motonomics को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको डेली लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।